तो भाई वीवो Y1 एस के मैं सिर्फ इतने ही पैसे दूंगा। 150 रुपया देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वीवो Y1 एस के बारे में। अब ये जो फ़ोन है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। बैक पे सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, ठीक है, सिंगल कैमरा बैक पे आपको देखने को मिलता है 16,000 की प्राइस रेंज के अंदर। अब यहाँ पर आईटेल और बाकी जितने भी छोटे ब्रांड्स हैं वो हमें ट्रिपल या क्वाड कैमरा सेटअप दे रहे हैं 12,000 से 13,000 की प्राइस रेंज के अंदर। वीवो ने हमें 16,000 की प्राइस रेंज के अंदर यहाँ पर सिंगल कैमरा दिया बैक के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि वीवो Y1 ऐसे आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में अगर बनने से पहले चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाकर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियो से सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो लेट्स बिगेन। तो भाई अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे वीवो Y1 एस के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक HD+ यानी कि 720p वाला डिस्प्ले मिलेगा। वाटर ड्रॉप नॉच है यार डिस्प्ले इसका, ओके ही है, इतना कोई बुरा डिस्प्ले नहीं है क्योंकि वीवो का डिस्प्ले है, ठीक है। बैक पे आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, LED फ्लैश लाइट, और बैक की जो मेट फिनिशिंग है वो थोड़ा सा इसको अच्छा बनाई थी, वरना अगर शाइनी फिनिशिंग होती तो भाई इसने तो होड़ तो भाई फेर देनी थी इसके डिज़ाइन की, ठीक है। तो फ्रंट पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ ना स्मार्टफोन के प्रोसेसर की यानी कि चिपसेट की, तो भाई यहाँ पर आपको MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर मिल जाता है। इस प्राइस रेंज के अंदर हमें ये G35 Helio G70 मिल रहा है, लेकिन यार ये प्रोसेसर इतना कोई बुरा नहीं है। अगर आप नॉर्मल डे टू डे यूज करते हैं तो ये प्रोसेसर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। बैक पे आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि 13 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है नॉर्मल 10 वाट के चार्जर के साथ। यार अगर मैं बात करूँ ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यार एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और साथ ही यहाँ पर आपको 2 GB की रैम 32 GB स्टोरेज देखने को मिलती है। इस प्राइस रेंज के अंदर हमें 4 GB की रैम और तकरीबन 64 GB की स्टोरेज देखने को मिल रही है। यार मैं सीधा सा ओपिनियन दूँ, यार ये फोन मुझे नहीं अच्छा लगा, हो जिसको अच्छा लगा वो यार वो खरीद ले, जिसका पैसा अन्ना पड़ा उसके पास वो खरीद सकता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया फ़ोन। आपको अच्छा लगता हो तो भाई आप ले सकते हैं, बट मेरी ओपिनियन लें तो भाई ये फ़ोन टोटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि यार अगर स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में 13,000 से 14,000 आती, फिर ये स्मार्टफोन डिस्काउंट लग के 12,000-13,000 का मिलता तो फिर काफ़ी अच्छा था। अगर आपको 12,000-13,000 में मिलता तो फिर आप खरीद सकते हैं अगर आप वीवो के फैन हैं, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। इससे अच्छा आप रेडमी का 9C ले लें जो कि 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। इसमें आपको 32 GB स्टोरेज देखने को मिलती है, उसमें प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और उसके कैमरा ट्रिपल कैमरा है, इसके सिंगल कैमरा है। और यहाँ तो फिर आप टेक्नो स्पार्क 6 ले लें, यूज टेंशन के आपको 13,000 से 14,000 या 15,000 में देखने को मिल जाएगा। या रियलमी C3 ले लें जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज, Helio G70, उधर आपको 12,000 से 13,000 में देखने को मिलता है। पर मेरी तरफ से वीवो Y1 बहुत ही घटिया फ़ोन लगा मुझे, तो आप इसको ना खरीदें अच्छा होगा, पर आपकी मर्जी, आपने कौन सा फ़ोन खरीदना है। तो भाई आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।